हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और गाइस, आज की जो वीडियो है बेसिकली वो डॉग्स के ऊपर है। और डॉग्स के ऊपर दरअसल कभी कभार मैं वीडियो बनाता हूँ, बट आज मेरे जितने भी YouTube पे लोग सब्सक्राइबर है, मैं उनसे या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना वरना मत देखना, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आज की जो वीडियो है उस वीडियो में आप लोगों से मैं एक सजेशन मांगना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक डॉग है, ये लगभग 3 साल का ये आ गया, फ्रैंकी। तो गाइस 3 साल का होने वाला है ये मेरा डॉग है फ्रैंकी, देसी ब्रीड, अडॉप्ट किया था मैंने। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक सजेशन दूंगा, एडवाइस करूंगा, बाकी डिपेंड तो बंदे पे ही करता है कि वो कौन सी ब्रीड लेना चाहता हो। तो गाइस आप जैसे कि आप देख सकते हो, ये पीछे की तरफ फ्रैंकी यहाँ पे सो चुका है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मेरे बेड पे ही सोता है, जिसकी वजह से इसके जितने भी बाल है वो मेरे ब्लैंकेट, कंबल, चादर या जो भी आप कह लो उस पे चिपक जाते हैं। तो अगर मुझे सडनली कहीं जाना पड़ जाता है तो सारे बाल जो है ना वो मेरे कपड़ों पे रह जाते हैं। तो कभी कभी ये एम्बेरेसिंग फील हो जाता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने कोई डार्क कलर पहना हुआ है, ब्लैक, मेहरून, तो उसपे तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इसके जो हेयर्स है वो उस पे चिपकेंगे। तो गाइस 3 साल हो गए इस डॉग को मैंने अपने पास रखा हुआ अपने बच्चे की तरह। तो बट एक चीज जो है ना वो मैं इसको क्योर नहीं कर पा रहा कि इसके बाल झड़ते क्यों है। कुछ लोगों का कहना है कि डॉग्स जो होते हैं उनके बाल झड़ते हैं, पर इतने क्योंकि हम इसको मीठा कभी कभार जैसे ट्रीट के तौर पे या कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब कुछ हम इसके साथ मतलब क्या कह सकते हो आप, ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसको मीठा खिला देते हैं, पर इतना ज्यादा हेयर फॉल मतलब यार गाइस ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है पूरे घर पे, कपड़ों पे। तो गाइस मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी एनिमल लवर है, डॉग लवर है, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। बाल काट दूंगा ओके है, पर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आएंगे फिर होंगे। तो गाइस कोई अच्छा सा पहले आप ये देखिए कि इसके हेयर फॉल हो कितना रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा। तो गाइस आप देख सकते हो, ये देखना भी, ये अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये इधर इधर इधर, तो आप देख सकते हैं ये देखो कितने ज़्यादा बाल होने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, इस जगह। तो गाइस आप देख सकते हो इसका हेयर फॉल कितना कितना ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस इसी के चक्कर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ जी, तो देखा आपने फ्रैंकी का हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है गाइस। तो आप जितने भी एनिमल लवर है और जितने भी एक्सपीरियंस जो लोग हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मुझे किस तरह का मेडिकेटेड शैम्पू या कुछ भी ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह जो क्या कहते इसके हेयर फॉल को क्योर कर सके, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में करके और एडवाइस दीजिए। और क्या कहते और इस वीडियो को पूरा देखने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओनली फॉर एनिमल लवर्स। और यहाँ पर पीछे फ्रैंकी है, अभी इसके सोने का टाइम हो चुका है। तो गाइस आप प्लीज़ बताइए, कभी कभार इसके हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बताना कि कौन सी इसके लिए जो ट्रीटमेंट है या शैम्पू या जो भी दवाई वगैरह है वो आप मुझे एडवाइस करना, ताकि मैं इसके जो हेयर फॉल है उसको क्योर कर सकूँ। जय हिंद।